अरे धोनी, इधर क्यों बैठा है? गुड इवनिंग सर। इवनिंग, बस ऐसे ही सर। बैठ बैठ बैठ। सर वो हमारा रूममेट लोग का ड्यूटी था, क्वार्टर में बैठे यहाँ बैठे, बात तो एक ही है सर। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है, फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहां पे क्यों बैठा है, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। बाप रे बाप, इतना सब कुछ सोच रहा था। सॉरी सर, बट आई एम स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड सर। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूं। जूसी हाफ वाली मिलता है तो? ड्राइव करता हूं। अच्छा आउट स्विंगर हो तो? छोड़ देते। अच्छा इन स्विंगर हो तो? डिफेंड करता है। और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करता है। बस यही तो लाइफ है, ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स हैं और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है, लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। द स्कोरबोर्ड विल कीप मूविंग सर। और ये जॉब आपको लेके तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जब तक हम है तुम्हारा जब मन करे जहां मन करे खेलो। अटेंडेंस फैटेंडेंस तुम्हारा जो भी है वो हम देख लेगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। सर हम वो टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगे, 22 यार्ड की जगह 18 यार्ड पे खेलते हैं, लेकिन सर हमको लगता है बहुत फायदा होगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल खेलो, लेकिन सर सब कह रहे हैं कि हमारा गेम खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा? हाँ सर। कौन पागल बोलता है सर वो? अरे तुम्हारा गेम सुधरा ही कब था जो बिगड़ जाएगा है? तुम्हारा प्लस पॉइंट यही है कि तुम एकदम नेचुरल है, समझा सर? चलो अब चल, ये फालतू में ज्यादा सीरियस मत बनो, समझा? और चूल क्यों नहीं काट रहा सर? वो बढ़ाने का सोच रहे। थोड़ा स्पोकन इंग्लिश ठीक करो अपना। जी आगे काम आएगा। यस सर। हाँ सर, उसको इतनी बार समझा पर उसको बिहार और झारखंड सब जगह घूम रहे हैं और क्या, कहाँ नहीं खेले ये पूछे। नहीं अभी मूड खराब चल रहा है, खाली फुटबॉल खेलने। चलिए अब रखते हैं, बाद में बात करते हैं, बाय। क्या हाल है माई? अरे हम यही तो कह रहे थे, पागल ही हो गया है लगता है ये तो। क्या हो गया भैया? अरे फोन खराब है पिछले 15 दिन से, लाइन डेड है। फोन खराब है? हाँ, किससे बात कर रहे थे? अरे क्या करेंगे अब, फोन तो सच में डेड है भैया। अरे वो तो हमको भी पता है, बोलो खड़गपुर में ले जाकर पागल कर दिए हैं ऐसा कहेंगे घर वाले। भैया हमको तो लग रहा क्या क्या भैया तो क्या है मार क्यों रहे? क्या बात बारे सचिन मेरी जान, इंडिया तुमसे पूछ कर खेलना चाहिए। गया वर्ल्ड कप, गया वर्ल्ड कप पक्का। अरे भैया आप अगर सही नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलिए। देखो फिर चुप रहो यार, मत दिमाग खराब करो। अच्छा भैया
कैफ मोंगिया युवराज ये सब मही के साथ के ना सब वर्ल्ड कप खेल पता नहीं मही का काम नो सर आई अंडरस्टैंड सर एक्सक्यूज मी सर आई विल डेफिनेटली लुक इन टू इट थैंक यू सर बाय आपने बुलाया सर तुम्हारा नाम का नोटिस आया है किसी ने कंप्लेन मारा है तुम्हारा नाम से तुम्हारा अटेंडेंस को लेके सर इधर बाउंसर खत्म नहीं हो रहा है सर 3 साल से डक किए जा रहे हैं और अब ये देखो मही परसों इंक्वायरी है 10 बजे हेड ऑफिस से 2 ऑफिसर आ रहे हैं तुम्हें काम करना इससे पहले कि ऑफिसर तुमसे कुछ पूछे तुम खुद ही बता देना समझा तुम जी सर थैंक यू सर अभी शाम को सब ठीक है ना जी थोड़ा दुबरा गए हो खाना वाना ठीक से नहीं हो रहा है नहीं ठीक है सब इस बार तो ज्यादा दिन के लिए आए हो ना जी वही बात करना था आपसे हाँ बोलो वो हम रेलवे का नौकरी छोड़ रहे हमसे दोनों नहीं हो पाएगा या तो हम रेलवे में नौकरी कर लेंगे या तो हम क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेट खेलते हैं तो हेड ऑफिस से नोटिस आ जाता है इसलिए हम डिसाइड किए हैं कि अभी अपना पूरा फोकस गेम पे डालेंगे फिर देखते हैं अभी हमको सिर्फ क्रिकेट खेलना है और जब उमर के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाओगे तब गुजारा कैसे होगा उम्र भर तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे ना हमको दूसरा नौकरी मिल जाएगा अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए अब जब सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर चुके हो तो करो अपने मन का हमको बताने का क्या जरूरत है पापा अब आप ऐसा मत बोलिए अगर उधर खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गए ना पापा तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे